हेलो गाइस, आज हम देखेंगे पेंसिल वर्क जो कि एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क हम कैसे बना सकते हैं। उसका मैं कुछ आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से आप देखिए सुनिए, तब आपको इजी समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक ग्राफ किया हुआ है, लेंथ का ग्राफ किया हुआ है। और मैंने हमेशा बोला है आपको कि कोई भी वर्क बनाओ तो सबसे पहले आउटलाइन लाइटली आउटलाइन कर लो, और जब आपका ग्राफ परफेक्ट हो जाए तब जाकर उसको डार्क कर लो। यहाँ पे डार्क किया हुआ है, अब देखो यहाँ पे कलर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेड कलर पकड़ना है, रेड कलर से नॉर्मल एकदम लाइटली शेड करना है। शेडिंग हमारा 3 लेयर पे जाएगा, डार्क टोन, लाइट टोन, मिडिल टोन। एक साइड से डार्क निकालना है, दूसरे साइड लाइट देना है। तो जितना स्मूथली आप शेडिंग करोगे उतना फिनिशिंग आपका वर्क दिखाई देगा। सो गाइस, इस पे ऐसा कुछ नहीं कि आपको रेड कलर से ही बनाना है, मैं यहाँ पे आपको रेड कलर करके दिखला रहा हूँ। आप अलग अलग कलर का लैंप बना सकते हो। यहाँ पे आपका रेड कलर यूज हो रहा है, आप इस पे ग्रीन कलर डाल सकते हो, ब्लू कलर डाल सकते हो, तो ये ज़्यादा और खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पेंसिल चल रहा है, शेडिंग उसी हिसाब से चलाना है आपको। लाइटली शेडिंग पहले पूरा कर लेना है, फर्स्ट लेयर में आपको क्या करना है कि पहले लाइट शेडिंग कर लेना है पूरा। आप ऐसे मत समझो, आपको समझना है कि टोन के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डार्क टोन, लाइट टोन, मिडिल टोन। तो इस पे आपको अपोजिट लेके जाना है, लाइट टोन, मिडिल टोन और फिर डार्क टोन। मतलब फर्स्ट लेयर में आपको एकदम स्मूथली रेड कलर चलाना है, फिर दूसरा लेयर में आपको थोड़ा सा डार्क चलाना है, उसके बाद फिर तीसरा लेयर में पूरा डार्क चलाना है। उसके बाद आपका आएगा कि इस शेडिंग को कैसे निकाला जाए। तो निकालने के लिए हम हमेशा हर वीडियो में आपको बताए हैं, मेरे जितने भी पेंटिंग है सब में आपको मैंने बताया है कि किसी भी चीज़ को निकालना है तो हमको क्या करना है, डार्क करना है, उसका डेप्थ निकालना है। डेप्थ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। अभी हम लोग करेंगे, आप पहले वीडियो को ध्यान से देखो। सो गाइस, थोड़ा सा ऊपर देखो, ऊपर वाला शेडिंग हमारा कर्व है और अभी जो हम शेडिंग कर रहे हैं वो स्ट्रेट शेडिंग है, मतलब सीधा सीधा उस पर पेंसिल चलाना है, क्योंकि वो लैंप के जो अंदर वाला होता है वो वाला बन रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थोड़ा सा डार्क और बीच में लाइट छोड़ते जाना है। सो गाइस, यहाँ पे देखो रेड कलर का यूज यहाँ पे खत्म हो गया, अब ब्लैक पेंसिल कलर लेकर के अब ब्लैक कलर का यूज इस पे कैसे करेंगे, ब्लैक शेडिंग कैसे डालेंगे। तो 3D शेप देने के लिए हमको क्या करना है कि उस पिक्चर का डेप्थ निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, ऐसे लेयर बाय शेडिंग करेंगे। अब देखो यहाँ ब्लैक वाला, रेड वाला, दोनों में देखो अंतर, समझ में आ गया कैसे किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग चलाना है, आउटलाइन आपका सारा आउटलाइन में रेड ब्लैक जाएगा और जो ब्लैक यूज कर रहे हो एकदम लाइट जाएगा, ठीक है। इसको लेयर से करना बहुत जरूरी है, लेयर से मतलब समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब एक बार लाइट, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, फिर उससे डार्क, तब जाके उसका स्मूथनेस दिखाई देगा वर्क का, आपका वर्क पूरा क्लियर समझ में आएगा, फिनिशिंग उसका क्लियर दिखाई देगा आपको जब आप ऐसा शेडिंग करोगे। सो गाइस, पूरा वीडियो एंड तक देखो, अभी फिनिशिंग बहुत सारा बचा हुआ है। अभी रेड कलर कैसे यूज़ कहाँ पे करेंगे, ब्लैक कलर सारा कुछ दिखाई देगा, इसका फाइनल दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जैसे ब्लैक किया हुआ है, तो ब्लैक एक कर्व दिखाने के लिए वहाँ पे साइड पे ब्लैक, देखो यहाँ पे ऐसे ये ब्लैक करके आपको उसका कर्व दिखाई देगा। तो आपको जब तक ये समझ में नहीं आया कि कैसे पिक्चर को निकाला जाता है, कैसे कौन कहाँ पे कौन सा कलर दिया जाता है, कितना टोन पे दिया जाता है, तो जब तक आप टोन को लेकर के नहीं चलोगे आपका वर्क अच्छा नहीं बन पाएगा, जितना आप चाहते हो उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए टोन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा वर्क बनाने में, चाहे वो पेंसिल वर्क हो, कलर वर्क हो, पेन वर्क हो, जो भी वर्क करो टोन उसमें इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारा। सो गाइस, मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया है कैसे कलर डालना है, कैसे डेप्थ इसका निकालना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, अभी बहुत सारा फिनिशिंग बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो पता चला सब भूल जाओगे तुम लोग, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारा फिनिशिंग है और बहुत हाइपर रियलिस्टिक वर्क बनने वाला है। का टोन छोड़ते जाएंगे ऐसे।
ब्राउन का भी यूज़ करेंगे, येलो का भी यूज़ करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखो येलो कलर का वर्क, अब यहाँ पे ब्राउन कलर का वर्क देखो, आप ब्राउन कलर कैसे चलाना है, लेयर से देखो कैसे चल रहा है, इसको एकदम ट्रांसपेरेंट लुक दिखाना है क्योंकि ये कांच है, कांच में लाइट भी दिखाना है आपको, थोड़ा सा डार्क भी दिखाना है, तो उस हिसाब से आपको शेडिंग पेंसिल चलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जैसे चल रहा है, साइड में हम लोग ज्यादा येलो कलर डालेंगे, देखो यहाँ पे इधर इस साइड पे ज्यादा येलो जाएगा, इस साइड पे ब्राउन जाएगा, और यहाँ पे बीच में जो व्हाइट का गैपिंग जा रहा है वो मिरर का शेप आएगा उस पे, इसलिए वहां पे व्हाइट छोड़ा जा रहा है। अब देखो आप सब पूरा वीडियो, फाइनल हो गया है, लैंप बन करके तैयार हो चुका है। आपको सिर्फ तीन चीज पे फोकस करना है, डार्क टोन, लाइट टोन, मिड टोन। अगर आप टोन के हिसाब से चलोगे तो आपका वर्क एकदम हाइपर रियलिस्टिक जैसे यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई देगा। तो आप ही बनाओ और डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।